जनवरी की दोपहर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वो रामलला दिखते कैसे हैं, आज पहली बार उनके दर्शन हुए। पूरे देश ने रामलला की वो मनमोहक छवि देखी। यकीन मानिए, रामलला को देखकर रोंगटे खड़े हो गए, आंखें टकटकी लगाए सिर्फ रामलला को निहारना चाहती रही। पूरा देश ही नहीं, पूरी अयोध्या नगरी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में राम भक्तों का 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया। कमल नैनी मुद्रा, होठों पर मंद मंद मुस्कान और कंधे पर धनुष बाण, कुछ ऐसा है स्वरूप रामलला का, जिन्हें शब्दों में वर्णन करना शायद ही कठिन होगा। आइए आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। रामलला की मूर्ति में सनातन के कितने चिन्ह हैं? रामलला की मूर्ति में कैसे चारों युग सिमटे हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं को कैसे प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनाया गया है? पूरी अवधपुरी राममय है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में विराजित कर दिया गया है। प्रतिमा को 21 जनवरी तक जीवनदायी तत्वों से सुवासित किया जाएगा। गर्भगृह में भगवान राम चल के साथ अचल स्वरूप में भी विराजमान होंगे। 1950 से जिस रामलला विराजमान की पूजा होती आ रही है, वो भी गर्भगृह में सोने के सिंहासन पर विराजित रहेंगे और श्याम शिला से बनी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संगमरमर के सिंहासन पर की जाएगी। रामलला के दुर्लभ दर्शन हो गए हैं, रामलला की मूर्ति की झलक भक्तों को मिल गई है। अब रामलला का पूरा स्वरूप देख लीजिए। रामलला की मूर्ति ऐसी है जैसा ग्रंथों में वर्णन है। इस मूर्ति में रामलला का भाव 5 साल की कोमल बच्ची की तरह है, लेकिन विराट स्वरूप भी है। मूर्ति के अर्ध चंद्राकार भाग में ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक का सनातन चिन्ह है। रामलला की आंखें कमल के समान है। रामलला के एक हाथ में शक्तिशाली कोदंड धनुष है, ये धनुष स्वर्ण का है। रामलला के दूसरे हाथ में सोने का बाण है। दाईं और बाईं तरफ विष्णु के दशावतार हैं। नीचे की तरफ प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त और सेवक हनुमान जी और गरुड़ की नक्काशी है। रामलला सहस्त्र दल कमल पर विराजे हैं। कमल के नीचे देवता मंडल है, जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। रामलला विराजमान का दिव्य रूप हर राम भक्त की आंखों में बसा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की दृष्टि में अलौकिक तेज होगा। उस तेज को बर्दाश्त करने की क्षमता सिर्फ भगवान में है, इसलिए सबसे पहले दर्पण में रामलला अपना ही मुख देखेंगे। इस दौरान यजमान मूर्ति के पीछे खड़े होकर मूर्ति के सामने लगे दर्पण में देखते हुए सोने के तार से घी और शहद को मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति के नेत्र में लगाएंगे। इसके बाद मूर्ति के सामने स्वर्ण रखा जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद भक्तों के लिए भगवान की दृष्टि सौम्य और लाभकारी होगी। रामलला की प्रतिमा का निर्माण मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है और श्याम शिला पर मूर्ति तराशने के लिए योगीराज ने ग्रंथों का भी काफी शोध किया है। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और एक राजपुत्र हैं, इसलिए उनकी मूर्ति में देवत्व भी है और 5 साल के बालक का कोमल मुस्कुराता चेहरा भी। वाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड, रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथों में प्रभु राम के जिस रूप का वर्णन है, वैसी ही है रामलला की मूर्ति। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के सर्ग 35 में श्लोक 6 से लेकर 23 तक राम के रूप का विस्तार से वर्णन है। सुंदरकांड वो अध्याय है जब प्रभु राम के आदेश पर हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में उनकी मुलाकात माता सीता से होती है। हनुमान जी की पहचान पुख्ता करने के लिए माता सीता उनसे राम जी के स्वरूप के बारे में पूछती है। अब जान लीजिए राम का वो स्वरूप जो खुद हनुमान जी ने माता सीता को बताया। आदित्य इव तेजस्वी लोकांतकः शशि यथा, राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैष्णवो यथा। यानी भगवान श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी,
चंद्रमा के समान लोक कमनीय और देव कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। सुंदरकांड में इसी श्लोक के साथ राम जी के उस रूप का वर्णन है जिसकी व्याख्या हनुमान जी ने की है। रामः कमल पत्राक्षः पूर्णचंद्र निभाननः रूप दाक्षिण्य संपन्नः प्रसूदो जनकात्मजे। यानी श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल और सुंदर हैं, मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीव शुभानन गूढ़ जत्रु सुताम्राक्षो रामो नाम जनैः श्रुतः। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसुली मांस से ढकी हुई है और नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। 22 जनवरी को रामलला के दर्शन से पहले प्रभु श्री राम का वास्तविक स्वरूप हर विशेषता जान लीजिए। ये वो स्वरूप है जो बजरंग बली ने माता सीता को सुनाया। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। नेत्र, मुख विवर, मुखमंडल, जिह्वा, होठ, तालु, नख और हाथ पैर 10 अंग कमल के समान है। 24 अंगुल के हाथ से नापे तो वो 4 हाथ लंबे हैं। पार्श्व भाग, उदर, वक्षस्थल, नाक, कंधे और ललाट से 6 अंग उभरे हुए हैं। उंगलियों के पोर, सिर के बाल, रोए और दाढ़ी के बाल कोमल हैं। उनके दांत चिकने, आपस में मिले हुए और पहने हैं। शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं वो भी आपस में बराबर हैं। करोड़ों भक्त लालायित है जहाँ प्रभु श्री राम की उम्र 5 वर्ष होगी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होगी, कजरारे नैन होंगे, काले बादल घुंघराले बाल होंगे। इस तरह की कल्पना कवियों ने की है प्रभु श्री राम को लेकर, और ऐसी ही कल्पना के साथ इस मूरत को गढ़ा गया है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ये मंगल वेला यहाँ अयोध्या के धाम पर इसी तरह से चल रही है। पूरा देश, पूरी दुनिया में राम भक्त इस जश्न में डूबे हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के दिव्य गर्भगृह में सिर्फ रामलला की मूर्ति नहीं बल्कि राम यंत्र स्थापित किया गया है। ये राम यंत्र सोने का है और इसका वजन करीब 1 किलो है। आयताकार राम यंत्र 1 वर्ग फीट का है। इसमें श्री राम, उनके सारे गण, परिवार और देवी देवताओं का वास है। श्री राम यंत्र में 121 देवी देवताओं का वास होता है। राम अर्चन पूजन में इस यंत्र की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूजन के बाद यंत्र में स्थापित देवता जागृत हो जाते हैं और यंत्र के साथ ही आसन के नीचे कुल 45 द्रव्य रखे गए हैं। 9 रत्नों में हीरा, पन्ना, मोती, माणिक्य, पुखराज व लहसुनिया, मूंगा, नीलम, गोमेद के अलावा पारा, सप्तधान्य और औषधियां भी हैं। गर्भगृह में रामलला का आसन मकराना संगमरमर से बनाया गया है। इस आसन के नीचे करीब 4 फीट ऊंचा सोना जड़ित सिंहासन होगा। गर्भगृह में 14 सोने के दरवाजों की स्थापना पूरी हो चुकी है। राम मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने के दरवाजे करीब 12 फीट ऊंचे और 8 फीट चौड़े हैं। गर्भगृह का प्रदक्षिणा मार्ग 1800 स्क्वायर फीट में फैला है और ये गोलाकार है। गोलाकार प्रदक्षिणा मार्ग के लिए उसे 118 प्रकार से काटा गया है, तब जाकर मंदिर का गोल फर्श तैयार हुआ है। गर्भगृह की फ्लोरिंग में सफेद संगमरमर के साथ कई कलरफुल स्टोन्स लगाए गए हैं। रात की रोशनी जब इन पत्थरों पर पड़ती है तो उनकी चमक का नजारा दुर्लभ होता है। राम मंदिर के जिस गर्भगृह की दीवारों पर कई तरह की मूर्तियां उकेरी गई हैं। एक मूर्ति में भगवान शैया पर लेटे हैं, विश्राम कर रहे हैं। दूसरी मूर्ति में बजरंग बली नजर आ रहे हैं। रामलला की मूर्ति को इस तरह से बनाया गया है कि हर साल रामनवमी के दिन भगवान सूर्य स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अभिषेक करेंगे।
हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को दोपहर के वक्त करीबन 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान के ललाट पर पड़ेंगी। देश के काफी काबिल वैज्ञानिकों की मदद से ये सुनिश्चित किया गया है। इसी वजह से मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच निर्धारित की गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और प्रतिबिंब दर्शन के बाद रामलला की आरती उतारी जाएगी। आरती के बाद भोग लगेगा और प्रसाद वितरण होगा। इस विधि के संपन्न होने के बाद गर्भगृह के कपाट खोल दिए जाएंगे, लेकिन भक्तों को एक दिन और इंतजार करना होगा। 23 जनवरी से आम भक्तों के लिए मंदिर खुल जाएगा। अयोध्या में सरयू की तरह बह रहे मंत्रोच्चार की अनुगूंज है। अवध में देवी देवताओं के आगमन का समय है। तीनों लोग देवताओं का वैभव देख रहा है, अयोध्या का वैभव देख रहा है। सभी रत्न स्वर्ण मणिमाणिक राम के चरणों में हैं। सप्त सागरों ने अपने जल से अयोध्या के चरण पखार दिए हैं। काशी, केदार, महाकाल, ओंकार आदि सभी मंदिरों से आए कुमकुम अयोध्या के माथे पर मंगल तिलक लगा चुके हैं। अधरों पर सबके राम नाम का जाप है। कंठों में राम धुन की सरिता बह रही है। सदियों के बाद अपने राम मंदिर में रामलला के आगमन पर अवधपुरी भाव विभोर है। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे, तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार राघव जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे पायल की झनकार पे, तेरे पायल की झनकार पे बलिहार राघव जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार राघव जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे नयन बड़े कजरारे लगते हैं कारे प्यारे। राम मंदिर की यज्ञशाला में आज जो हुआ उसका इंतजार सनातन धर्म कई वर्षों से कर रहा था। 121 धर्माचार्यों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में अग्नि को प्रकट किया गया और फिर सायंकाल तक शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम की स्थिति राम मंदिर के गर्भगृह में होती रही। जिस दौरान इस पवित्र काम को किया जा रहा था, जिस दौरान यह अनुष्ठान किया जा रहा था, उस दौरान राम मंदिर के अंदर लगे कैमरों में ये सब कुछ कैद हो गया। उन कैमरों में क्या कैद हुआ ये आपको भी देखना चाहिए। तो आइए टीवी के सामने अपने वॉल्यूम को बढ़ाइए और आप भी सुनिए कैसा है वो मौका जब 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है और प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं। कितनी कठिन है प्राण प्रतिष्ठा की विधि। पत्थर की मूर्ति में प्राण, यज्ञ विधि नहीं है आसान। मंदिर में रामलला विराजमान, अयोध्या में चल रहा भव्य अनुष्ठान। ओ रघुबर रामलला की, अरे सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुबर रामलला की, हो रघुबर रामलला की, अरे जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की, यहाँ कड़े कड़े से प्रीत पुरानी लागे। सोलह जनवरी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का चल रहे महायज्ञ का आज चौथा दिन है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी नजदीक आ रही है, पूजा की विधि मुश्किल होते जा रही है। मंदिर की स्थापना और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की विधि
आम पूजा पाठ से 100 गुना ज्यादा कठिन है। प्राण प्रतिष्ठा की विधि कई दिनों तक चलती है। यजमान और मूर्ति को कई शास्त्रीय पद्धति से गुजरना पड़ता है और आम पूजा पाठ से प्राण प्रतिष्ठा की विधि एकदम अलग होती है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रहे महायज्ञ के चौथे दिन 21 वैदिक विधि विधान से पूजा की गई। सबसे पहले स्थापित देवताओं की पूजा हुई, फिर द्वारपालों द्वारा वेद परायण, देव प्रबोध, औषधि धीवा, केसरा धीवा, घृता धीवा, कुंड पूजा, पंचभू संस्कार, अर्नी मंत्र, अग्निस्थापन, ग्रह स्थापन, असंख्यात रुद्र पीठ स्थापन, प्रधान स्थापन, वरुण मंडल स्थापन, योगिनी मंडल स्थापना, क्षेत्रपाल मंडल स्थापन, ग्रह होम, स्थापित देव होम, प्रसाद वास्तु शांति, धान्याधिवास और पूजा और आरती की गई। आपको इन 21 वैदिक विधि के बारे में बताएंगे। प्राण प्रतिष्ठा और रोजाना किए जाने वाले पूजा में क्या फर्क है ये भी बताएंगे, दिखाएंगे कि 21 वैदिक विधि वाले पूजा पाठ का क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चौथे दिन सबसे पहले देवता पूजन हुआ, मतलब गुरुवार को मंदिर में जिन देवी देवताओं को स्थापित किया गया था उनकी पूजा पाठ से यज्ञ की शुरुआत हुई। जैसे किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूरी होती है, प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन गणेश प्रस्थापित देवी देवताओं की वंदना से महायज्ञ की शुरुआत हुई। अब रामलला 500 साल बाद अपने भव्य मंदिर में विराजे तो प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है, ताकि जिस पत्थर की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया उसमें भगवान का वास हो सके। वैसे प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। देवता पूजन के बाद वेद परायण की विधि की गई। वेद पढ़ने वाले 4 द्वारपाल ब्राह्मणों की पूजा हुई, जो हिंदुओं के धार्मिक वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का मंत्रोच्चारण करेंगे। इसके बाद देव प्रबोधन की विधि हुई, यानी रात में सोए रामलला को पूजा पाठ के जरिए नींद से जगाया गया। Thank you.